जब अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, तो मुझे मेरी बहनों अल्लाह ही हमारा क्यों माबूद है? अब सवाल पैदा होता ना, अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो अल्लाह ही क्यों माबूद है, अल्लाह ही की क्यों इबादत करनी चाहिए? तो अल्लाह ने क्या क्या मालूम, अब उसके बाद अल्लाह दलीलें देना शुरू करता है, दलाइल देना शुरू करता है कि अल्लाह ही की हमको क्यों इबादत करना है। अल हय, पहली दलील अल्लाह देता है। अल्लाह कौन है, कौन है? अल हय के माने क्या है? अल हय कौन है? जिंदा है वो, कौन है? मुझे और आपको अल्लाह की इबादत क्यों करनी है, सबसे पहली शर्त क्या है? वो जिंदा है। अब जो जिंदा है ना वही माबूद है, जो जिंदा नहीं है वो माबूद। अब यहां पर मेरी बहनों गौर करो, मुझे और आपको बताया जा रहा, तुम जिसकी इबादत करते हो वो माबूद वो होना चाहिए जो जिंदा हो। मरने वाला माबूद, पैदा होने वाला भी माबूद, माबूद वो है जो हमेशा से था, है और रहेगा, जो जिंदा है। सब फना हो जाए लेकिन वो कभी फना नहीं होगा, ये है माबूद मेरा और आपका। अब मेरी बहनों अल्लाह को छोड़कर जितने माबूद आते हैं वो पहली आयत में कट हो जाते, देख लो आप, जितने माबूदाने बातें ले, चाहे वो पत्थर हो, पहाड़ हो, बुत हो, इंसान हो, बुजुर्ग हो, खबर हो, वो पूरे के पूरे खबर वाले वो पूरे के पूरे अल्लाह ही नहीं है, जिंदा नहीं है। जिंदा सिर्फ अल्लाह की सिफत है, सिर्फ अल्लाह की सिफत है, अल्लाह अकबर। माबूद तुम्हारे माबूद की इबादत इसलिए करनी क्योंकि वो जिंदा है, इसीलिए उसके बारे में क्या कहा गया, कुल्लु मन अलैहा फान वयबगा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सूरह अल रहमान में अल्लाह क्या कहता है, अल्लाह वो है जो कभी फना नहीं होगा, कुल्लु मन अलैहा फान हर चीज फना हो जाएगी, रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली जात कौन सी है, अल्लाह का चेहरा है, अल्लाह की जात है जो बाकी रहने वाली है। तो माबूद इसीलिए है वो क्योंकि जिंदा है, पहली शर्त अल्लाह ने बता दी। अब यहाँ पर दूसरी शर्त अल्लाह बता रहा है, खय्यूम है, क्या है वो, है आ गया, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तुम्हारा माबूद है तो क्यों माबूद है, क्योंकि वो जिंदा है, खय्यूम है वो, थामने वाला है वो, कौन है वो, खय्यूम के उलमा इकराम दो माने निकालते हैं, उलमा दो माने इसके कहते हैं। खय्यूम का पहला मतलब है वो जो अपने आप को थामे हुए है, उसको थामने के लिए, अपने आप को कायम करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये पहला माना है। दूसरा माना है वो जो पूरे की पूरी मखलूक़ात को थामे हुए और उनकी निगरानी कर रहा है, खय्यूम है वो, थामे हुए, इसीलिए उसकी इबादत करनी है, इसीलिए वो मेरा और आपका इलाह है, इसीलिए वो मेरा और आपका माबूद है। तो अब मेरी बहनों असमद जो लफ्ज़ आया ना, असमद वो किसी का मोहताज नहीं है, सब उसके मोहताज है, ये इसी के असल से आया है, खय्यूम के लफ्ज़ से आया है कि हर कोई उसका मोहताज है, हर कोई उस पर डिपेंड है, हर एक को उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत, इसीलिए वो मेरा और आपका माबूद है। बताई समझ में? अब दुनिया में जितने लोग हैं या इंसान जिन जिन की इबादत करते हैं वो देख लें कि वो क्या खय्यूम है या नहीं है। अगर वो मोहताज है खाने के, पीने के, सांस के, बीवी के, बच्चों के, बीमारी और सेहत के, तो फिर वो माबूद, माबूद की दलील है ये कि वो खय्यूम है, वो मोहताज नहीं है, किसी का भी मोहताज नहीं है, वो खिलाता है खाता नहीं है, वो सुनता है हर एक की बात को, वो तमाम लोगों को अपनी अपनी शिकायतें सुनाता नहीं है, ये है खय्यूम। खय्यूम मेरी बहनों, अब आप देखो अल्लाह के अलावा जो कोई भी जिस किसी को भी पुकारते हैं, चाहे वो खबर वाला हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो झाड़ हो, चाहे वो पत्थर हो, मुझे बताओ क्या वो अपने आप को थामे हुए है? ये सिर्फ अल्लाह की सिफत है। मेरा और आपका रब अल्लाह माबूद इसीलिए क्योंकि वो खय्यूम है। अब बताया जा रहा कि हई है, बताया जा रहा कि अल्लाह हई है और खय्यूम है, यानी कौन है अल्लाह वो बताया जा रहा। अब उसके बाद वाली आयतों में अल्लाह क्या कहता है मालूम, इसकी नफ़ी पेश करता है, ला ताखुज़ु सीनतन वला नौम। अल्लाह जब जिंदा है, अल्लाह कय्यूम है, तो अल्लाह सुभान व तआला को ना नींद आती है ना ऊँग आती है। अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आती,
तो मौत तो बड़ी मौत तो दूर की बात है, छोटी मौत भी अल्लाह को नहीं आती। माबूद वो है जिसको नींद, जिसको नींद आती वो माबूद। अल्लाह अकबर। देखो मेरा और आपका रब मुकम्मल तारुफ बयान कर रहा है यहाँ पर। तुम्हारा रब अल्लाह की हयात का ये आलम ये है, हया अल्लाह के हयात का कमाल ये है कि अल्लाह ताला ऐसे जिंदा है कि अब उसको नींद नहीं आती, ना उसको ऊंग आती है। नींद इंसान के इख्तियार में होता है ना कि सोना है ना, इंसान डिसाइड करता है ना कि उसको ये इतने टाइम पे सो जाना है, लेकिन मुझे बताओ क्या ऊंग उसके इख्तियार में होती है? नहीं होती। लेकिन मेरा और आपका माबूद वो है जिसको ऊंग भी नहीं आती। उलमा कहते हैं नींद और ऊंग में फ़र्क ये है कि गफलत की इब्तिदा ऊंग है और गफलत की इंतहा नींद है। गफलत की इब्तिदा यानी इंसान गाफिल कब होता है? जब उस पर ऊंग तारी होती है, ऊंग आना शुरू हो जाती है। और गफलत की इंतहा कब होती है? जब वो पूरी तरह मुकम्मल नींद में चला जाता है। तो मेरा और आपका रब अल्लाह वो है जो नींद और ऊंग जैसे ऐबों से पाक है। अल्लाह जो थामे हुए है ना सबको, तो अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह को ऊंग नहीं आती। और वो माबूद जिसको नींद आए, जिसको ऊंग आए, अगर वो गाफिल हो जाए तो फिर वो कैसे थामेगा? बता रही आपको समझ में? तो अल्लाह कौन है वो भी बता दिया। फौरी उसके बाद अल्लाह क्या बताता है? जब अल्लाह हई है, खय्यूम है, तो अल्लाह ला ताखुज़ु सीनतुम वला नौम भी है। अल्लाह के लिए नींद और ऊंग जैसे सिफात मौजूद नहीं है। अल्लाह ऐसे ऐबों से पाक है। ये किसके लिए? उनके लिए जो अल्लाह की मखलूक है। खालिक वो है जिसको नींद नहीं आती, मखलूक वो है जिसको नींद आती है। तो ये दूसरी चीज़ अल्लाह सुबहाना व तआला बयान करते हैं। एक और मेरी बहनों, अल्लाह सुबहानहू व तआला हई और कय्यूम जो लफ्ज़ है ना दो, ये अल्लाह को इतने ज़्यादा पसंद है, इतने ज़्यादा पसंद है ये दो अल्फाज, ये दो अल्लाह के नाम, कि जो कोई बंदा इन नामों के वास्ते से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी, अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उसकी दुआओं को रद्द नहीं करता। एक मरतबा अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बैठे हुए थे। एक आदमी आया मस्जिद में, आदमी मस्जिद में आकर क्या कहता है? दुआएं करना, नमाज पढ़ता है और दुआएं करना शुरू कर देता है। और जब दुआ करता है तो वो कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, मैं अल्लाह से सवाल करता हूँ अल्लाह की तमाम तारीफात के साथ। और फिर वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं है सिवाय अल्लाह के, अल मन्नान, अल्लाह मन्नान है, अल्लाह अता करने वाला है। फिर वो बंदा कहता है, फिर वो बंदा कहता है याजुल जलाल वल इकराम, अल्लाह कौन है? जलाल वाला, करम करने वाला, अच्छा करने वाला है। फिर वो बंदा कहता है अल हय्युल कय्यूम, अल्लाह हय है, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह कय्यूम है, मुझे थामे हुए। जब ये बंदा ये दुआएं कर रहा था ना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सहाबा कि तुम जानते हो कि इसने कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें अल्लाह से मांगी, कितनी अजीम बातें इसने कही। तो सहाबा तो हमारे, जब अल्लाह के नबी सवाल करते हैं तो सहाबा इसीलिए खामोश हो जाते, क्योंकि अगर जवाब देंगे तो फिर वो इल्म हमारे पास नहीं आएगा जो अल्लाह के नबी हमको देना चाहते हैं। तो सहाबा खामोश हो जाते, अक्सर सहाबा खामोश हो जाते और कहते वल्लाहु आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते, हमको नहीं पता। अल्लाह के नबी कहते हैं उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब कोई बंदा या बंदी हय्युल कय्यूम, अल हय और अल कय्यूम ऐसे नामों से जब अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह ताला जब वो जो कुछ मांगता है अल्लाह उसको अता कर देता है। ये वो सिफात है। और उस सिफात को अल्लाह ताला बताने के लिए मुझे और आपको उसकी नफ़ी भी बता रहा है कुरान में, इस आयत में। और ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद थी हय्युल और कय्यूम की, अल्लाह की सिफात की, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ सुबह और शाम के अस्कार में उसको शामिल कर लिया। जानते हैं नाम, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लिह लिशानी कुल्ला वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन। अल्लाह हय है, जिंदा है, वो कभी नहीं मरता, उसको मौत नहीं आती, और जो मरा जिसको मौत आती वो अल्लाह नहीं हो सकता। कय्यूम है, वो थामे हुए, हर चीज़ को थामे हुए, सब उसके मोहताज है, कोई उसका मोहताज। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, इसी से हम अल्लाह से सवाल करते हैं, अल्लाह से सवाल करते हैं।
असली निशानी कुल्ला। अल्लाह मेरे कामों को संवार दे, मेरे मामलात को संवार दे, मेरे बिगड़े हुए मामलात को संवार दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफतैन, और ए अल्लाह तू मुझे पलक झपकने के बराबर भी अपने नफ्स के हवाले ना कर। देखो ये दुआ मांग रहे अल्लाह के इन नामों के साथ। तो पता ये चला कि जब हम अल्लाह को उसके नामों के साथ पुकारते हैं, जो नाम अल्लाह ने खुद अपने लिए बतलाए हैं, तो अल्लाह सुबहान व तआला को नाम बहुत ज़्यादा पसंद है और अल्लाह ताला ऐसी दुआओं को रद्द नहीं करता। तो ये दूसरी बात मुझे और आपको मालूम हुई। पहली बात क्या हुई, पहले अल्लाह ने मुकदमा रखा, उसके बाद क्या बताया, अल्लाह हई है, उसके बाद खयूम है। अब उसके बाद अल्लाह ताला अपनी ज़ाती नाम अल्लाह ने बताए, ज़ाती सिफत अल्लाह ने यहाँ पर बतलाए। अब उसके बाद अल्लाह अपनी मिल्कियत हम सबको बता रहा है, मिल्कियत अल्लाह बता रहा है। अल्लाह क्या कहता है, लहू मा फिस समावाती व मा फिल अर्द। अल्लाह कौन है, कौन है अल्लाह, ज़मीन और आसमान की मिल्कियत जिसके पास है वो है अल्लाह, वो है माबूद। जिसकी मुझे और आपको इबादत करनी है ना, वो कौन है, जिसके पास, जिसकी मिल्कियत कहाँ तक है, ज़मीन और आसमान जो कुछ है वो उसकी मिल्कियत में, जो कुछ है, तमाम जानवर, इंसान, परिंदे, दरिंदे, दरिया, पहाड़, आसमान, ज़मीन, सितारे, सूरज, सैारे, सब के सब किसकी मिल्कियत में है, अल्लाह सुबहान व तआला की मिल्कियत में है। और अल्लाह सुबहान व तआला यहाँ पर मुझे और आपको बता रहा है कि अल्लाह जब अपनी मिल्कियत में हर चीज़ का मालिक है, वो हर चीज़ का मालिक है। जब मालिक अल्लाह है तो फिर हुक्म भी किसका चलेगा, हर एक पर अल्लाह का हुक्म चलेगा, हर एक पर, ज़मीन पर भी अल्लाह का चलेगा, आसमान पर भी अल्लाह का चलेगा। हमारा माबूद वो नहीं है जिसकी सिर्फ ज़मीन पर चलती, सिर्फ वो नहीं है जिसकी सिर्फ आसमान में चलती, वो नहीं है, वो हमारा माबूद नहीं जिसकी सिर्फ एक कंट्री में चलती, एक मुल्क में चलती। अल्लाह कौन है जिसकी कहाँ कहाँ चलती, हर जगह, ज़मीन और आसमान, पूरी मिल्कियत उसी की है। मेरी बहनों, मालिक और मलिक, मलिक किसको कहते हैं, बादशाह, पूरी बादशाही अल्लाह की, पूरी मिल्कियत अल्लाह ही की है। मालिक किसी का फ़ोन है, किसी के पास फ़ोन है तो वो उसके उसका मालिक है, बोलते हैं ना ये फ़ोन का मालिक है, ये घर का मालिक कौन है, पूछते हैं ना। लेकिन क्या हम उसको ये कहते हैं घर का बादशाह कौन है, पूछते हैं हम फ़ोन का बादशाह कौन है, पूछते हैं हम नहीं पूछते। अल्लाह वो है जिसकी उसकी चीज़ है ना, वो अपनी बादशाहत पर भी कायम है, यानी उसकी चीज़ जो उसकी मिल्कियत में है वो खुद कहता है कि मैं इसका बादशाह हूँ, ये मेरी चीज़ है, ये मेरी मिल्कियत। अल्लाह ज़ाती नाम के बाद अपनी मिल्कियत को अल्लाह ताला यहाँ पर बता रहा है। मिसाल के तौर पर कोई डॉक्टर है, डॉक्टर की कहाँ तक चलती मुझे बताओ, पेशेंट के हद तक खींचना, पेशेंट ही उसकी बात सुनता ना, रास्ते चलने वाला कोई तो भी आदमी सुनता क्या, बताओ नहीं। लेकिन मेरा आपका माबूद कौन है जिसकी कहाँ कहाँ चलती ही? दुनिया में भी चलती ही, और आखिरत के दिन तो सिर्फ अल्लाह की चलने वाली है। हमने सूरह अल-फातिहा में देखा, बहुत डिटेली देखा, तो लिहाजा मैं इसके अंदर ज़्यादा तफसीर में नहीं जाऊँगी। अल्लाह की मिल्कियत मुझे और आपको समझना है, ज़मीन और आसमान, मेरा और आपका माबूद वो है, मेरा और मैं और आप उसको पुकारते हैं जिसकी मिल्कियत में सब कुछ है, मुझे अता करने वाला वो सब कुछ है। अल्लाह की मिल्कियत में मैं और आप जो खजाने मांगते हैं ना, वो भी मौजूद है उसमें। लिहाजा मुझे और आपको मांगना किससे है, पुकारना किसको है, उसी को पुकारना जिसकी मिल्कियत में सब कुछ है, हर चीज़, ज़मीन, आसमान में चरिंद, परिंद, जानवर, सितारे, सैारे, चांद, सूरज, तमाम की तमाम नेमत है जिसकी मिल्कियत में ना, उसको मुझे और आपको पुकारना है, ये यहाँ पर इसका मफहूम है। अब उसके बाद जब अल्लाह यहाँ पर मिल्कियत की बात करता है, हुकूमत की बात करता है, तो अब इसके बाद हुकूमत की जो कमज़ोरी है ना अल्लाह, उसके बाद वो बात बयान करता है, चौथी दलील अल्लाह सुबहान व तआला बयान करता है। अल्लाह क्या कहता है, मानजल्लज़ी यशफ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कोई सिफारिश नहीं कर सकता, कोई सिफारिश का हकदार नहीं है सिवाय उसके जिसको अल्लाह इजाज़त दे। अब मेरी बहनों, पहले अल्लाह ताला मिल्कियत के बारे में बता रहा, अपनी हुकूमत के बारे में बता रहा, उसके फौरी बस शिफात की, सिफारिश की बात बतला रहा। जानते हैं आप कि अल्लाह ताला ने यहाँ मिल्कियत के फौरी बाद सिफारिश के बारे में क्यों कहा, क्योंकि मेरी बहनों, दुनिया की अगर बड़ी से बड़ी भी अगर हुकूमत है तो वहाँ पर सिफारिशें कबूल की जाती है, वो हुकूमत के हाथ में नहीं होता कि वो सिफारिश को
बर्खास्त करे, लेकिन मेरा और आपका रब अल्लाह वो है, उसकी ऐसी मिल्कियत है कि उसमें अल्लाह के अलावा किसी और की सिफारिश का हकदार भी कौन है। मिसाल के तौर पर मेरी बहनों, एक और मिसाल, कोई बंदा किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जा रहा और उसको इंटरव्यू में कैंसिल कर दिया गया। किसी और का फ़ोन आता है कि ये मेरा बंदा है, इसको जॉब दे दो। और अगर वो हस्ती जो कॉल करे, अगर उन्हें एक मुकाम वाले है, कोई मंत्री है, तो फौरी उनकी सिफारिश को कबूल किया जाता, नहीं किया जाता? उन्हें इंटरव्यू में फेल होने के बाद भी उसको जॉब दे दी जाती। लेकिन मेरा और आपका अल्लाह वो है जिसको मजबूर नहीं किया जा सकता। सिफारिश के हकदार सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह को सिफारिश करने के लिए कोई मजबूर नहीं कर सकता। और यहाँ पर अब अल्लाह बता रहा है कि अल्लाह की हुकूमत ऐसी है जो कमज़ोर नहीं है, अल्लाह की हुकूमत में, अल्लाह की मिल्कियत में कोई कमी नहीं है, कोई कोताही नहीं है, और कोई अल्लाह को सिफारिश करने पर मजबूर भी नहीं कर सकता। मेरी बहनों, कल क़यामत का वो जो दिन होगा ना, आज हमने सिफारिश को नहीं समझा, जिसकी वजह से आज हमारी उम्मत मुस्लिमा का अक्सर तबका, अक्सर हिस्सा इस सिफारिश को गलत समझकर वसीले के लिए, ये वसीले के रास्ते से शिर्क में चला जाता है। अब आप गौर करो, हमारे माहौल और माशरे में क्या अकीदा गढ़ दिया गया, हमारे पीर साहब हमारी सिफारिश कर लेंगे, है ना, हमारे बाबा हमारी सिफारिश कर लेंगे, हमारे बाबा का दामन हम पकड़ लेंगे और हम जन्नत में चले जाएंगे। वहाँ कपड़े ही नहीं होंगे तो दामन कहाँ से आएगा मेरी बहनों? क़यामत के दिन जिस्म पे किसी के कोई कपड़ा होगा, फिर दामन कहाँ से आया? कौन सा दामन पकड़ के जाएंगे जन्नत में? कौन करेंगे सिफारिश? ये क्या कहते हैं, ये वली, ये बुजुर्ग अल्लाह के सामने सिफारिश करेंगे, जबकि अल्लाह आयतुल कुर्सी में कहता है कि अल्लाह के सामने किसी की सिफारिश का कोई हक नहीं रखता, सिवाय उनके जिनको अल्लाह इजाज़त दे। अब यहाँ पर अल्लाह के सामने सिफारिश करने से बड़े बड़े अंबिया भी डरेंगे कल क़यामत के दिन। हर कोई कहेगा नफसी नफसी नफसी, मैं बच गया तो बस, मैं बच गया तो बस। सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे होंगे जिनको सिफारिश की जो इजाज़त तलब करेंगे अल्लाह से, और वो इजाज़त भी ऐसी नहीं होंगी ज़ोर और ज़बरदस्ती वाली। और अल्लाह कोई मजबूर नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लम को सिफारिश का के लिए बोल दे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लम इजाज़त कैसा लेंगे? अल्लाह सुबहान तआला के सामने सजदा करेंगे, एक लंबा सजदा करेंगे, लंबा कई मुद्दतों सजदा करेंगे। उसके बाद अल्लाह सुबहान व तआला, जब अल्लाह के नबी सल्लम सजदा करेंगे तो अल्लाह के नबी को कहता है कि अल्लाह के नबी सजदे से उठिए, अपना सर उठाइए और मांगिए, सिफारिश करिए, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। बड़े बड़े अंबिया है, आदम अलैहिस्सलाम है, नूह अलैहिस्सलाम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ये सिफारिश करने की हिम्मत नहीं कर रहे, तो मुझे बताओ क्या ये खबर वाले, ये मुर्दे, ये वली, ये बुजुर्ग, क्या अल्लाह के सामने सिफारिश करने का हक रखते हैं? मुझे और आपको यहाँ पर समझना है। आज हमने वसीले के ज़रिए, वसीले, अगर हम ये बाबा को, अगर बाबा को अगर पुकारेंगे तो उन्होंने हमारी बात कहाँ तक पहुँचाएँगे? अल्लाह तक पहुँचाएँगे, यही है ना खबर परस्तों का यही तो ख्वाल है आज, कि वसीले के बगैर हम अल्लाह से कैसे पहुँच सकते। वो क्या मिसाल देते हैं कि अगर तुमको छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी की ज़रूरत होगी, है ना, तो तुम बगैर सीढ़ी के कैसे पहुँचोगे अल्लाह तक? मेरा अल्लाह वो है जिसकी जिस तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की भी ज़रूरत नहीं है, लई सकम इसलिए शही, उसके लिए कोई मिसाल की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मेरा और आपका रब अल्लाह, वो मेरे और आपसे कितना करीब है, मेरे शहर, मेरे आपके शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो वसीले की यहाँ पर मुझे बात को समझना होगा, हम सबको समझना होगा। शिफात, यकीनन शिफात होगी, हमारा भी इस पर अकीदा है, लेकिन वैसे होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लम ने मुझे और आपको बतलाया। अल्लाह की मिल्कियत वो है जिसमें किसी को शिफात का हक, और दिया भी जाएगा तो किसको? जिसको अल्लाह चाहेगा। मेरा और आपका महबूद वो है जिसको जिसको अल्लाह चाहेगा उसको देगा। इन्हों भी आ रहे पुकार रहे, उन्हों भी आ रहे पुकार रहे, नहीं, अल्लाह नहीं देगा। ये मेरा और आपका रब अल्लाह सुबहान व तआला, ये मेरा और आपका रब महबूद। अब यहाँ पर मेरी बहनों, शिफात भी किसकी करेंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर एक की करेंगे, सबकी करेंगे अल्लाह के नबी सल्लम? नहीं, अहदीस से हमको पता चलता है कि जो बंदा अल्लाह की जात में शिर्क नहीं करेगा उसी की शिफारत शिफात की जाएगी, उसी के लिए सिफारिश की जाएगी।
अब जो शैतान है ना, उसने क्या किया मालूम, वसीले के जरिए शिर्क पे ऐसा डाल दिया कि हम शिफा से ही महरूम कर दिए जाए। क्योंकि शिर्क अगर कर लिए तो शिफा से भी महरूम, आसान हो गया उसका काम, लोगों को जानना में लेकर जाना उसके लिए आसान हो गया। तो लिहाजा अल्लाह की इबादत में कभी किसी को शरीक मत करना। क्यों? क्योंकि मेरा और आपका रब अल्लाह वो है। अगर हम शिर्क करेंगे, अगर अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारेंगे, चाहे वो शिर्क हमारा हमारे दिल की ख्वाहिशात ही क्यों ना हो। सूरह रौद में अल्लाह क्या कहता है मालूम, हम इंशाल्लाह कल से जब सूरतुल कहफ की शुरुआत करेंगे ना, इंशाल्लाह उसके अंदर देखेंगे, इलाह माबूद जब अल्लाह है ना, तो जो शिर्क किया जाता है ना, सिर्फ पत्थर, दरख्त, खबर, इसके सामने सजदा करना शिर्क नहीं है, बल्कि अपने दिल की बातों को भी मानना, अपने दिल की ख्वाहिशात को भी मानना, ये भी शिर्क है। अल्लाह की बातों को छोड़कर अपने दिल की बातें मानना भी ये शिर्क है। तो अगर हम शिर्क करेंगे तो फिर हमारी शिफात, और शिफात का जिसके लिए की जाएगी वो भी अल्लाह सुब्हानहु तआला बताएंगे, यानी सिर्फ वहाँ पर हुक्म किसका चलेगा? अल्लाह वो है, मेरा रब करब वो है, महबूद वो है, उस पर सबका हुक्म चलेगा, सॉरी उसका हुक्म सब पर चलेगा, लेकिन सब किसी का भी उस पर हुक्म। तो ये था अल्लाह की मिल्कियत के फौरी बाद शिफात के बारे में कहना। अब उसके बाद सातवीं चीज़ जो अल्लाह सुब्हानहु तआला कहते हैं, यालमु मा बैना अयदीहिम, वो जानता है, वो इल्म रखता है। अल्लाहु अकबर, हर चीज़ को वो जानता है, हमारे जाहिर को भी, हमारे बातिन को भी, हमारे अव्वल को भी, हमारे आखिर को भी, हर चीज़ को वो जानता है। यानी माबूद वो होना चाहिए जो हर चीज़ का इल्म हो। मेरी बहनों, इल्म के लिए और फैसले के लिए दो मुसीबत वाली चीज़ें कौन सी है मालूम आपको? एक तो भूलना और दूसरा ना जानना, यानी नहीं पहचानना। और अल्लाह वो है जो के भूलने वाली सिफत से पाक है, अल्लाह वो है जो बंदों को नहीं जानने वाली सिफत से पाक है, हर चीज़ का इल्म रखता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा, अल्लाह अगर ये कह देता या आलम अल्लाह जानता है तो बस काफ़ी था, लेकिन अल्लाह ने आगे क्या कहा, या आलम मा बैना अयदीहिम, अल्लाह तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, सब जानता है अल्लाह ताला, हर चीज़ को जानता है। यानी उसके फैसले कभी गलत नहीं होते, जब वो फैसला करता है ना तो हर चीज़ के इल्म के साथ करता है। इसीलिए मुझे और आपको हुक्म दिया गया, फ़ालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम इल्म हासिल करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है। कौन है अल्लाह? अल्लाह वो है जो मेरे और आपके दिलों के ख्यालात को भी जानता है, अल्लाह वो है जो मेरे और आपके आंखों की खयानत को भी जानता है। सूरह अल इमरान उठाइए, सूरह हदीद उठाइए, ये आयतें हमको मिलती है उसमें, वो है अल्लाह। अब माबूद वो होना चाहिए जो हर चीज़ का इल्म हो, जिसको हर चीज़ का इल्म हो, जो अपने मखलूक के बारे में सब कुछ जानता हो। और मुझे बताओ कि ये जो माबूदान है बातिल है, क्या वो हर चीज़ को जानते हैं? जानते हैं? क्या मखलूक हर चीज़ को जानती है? उतना ही जानती है जिसको जितना उसको बताया गया है। मिसाल के तौर पर ये दीवार है, ठीक है, मैं और आप इस दीवार के सामने जानते हैं क्या है, लेकिन इस दीवार के पीछे क्या है हम वो जानते हैं? नहीं जानते। लेकिन मेरा और आपका अल्लाह वो है, यालमु मा बैना अयदीहिम, अल्लाह वो है जो सामने भी जानता है क्या है और पीछे भी क्या है वो जानता है। ये है मेरा और आपका रब अल्लाह। और अब माबूद की सिफत ये है, माबूद वही होना चाहिए जो हर चीज़ को जानता हो, वो जानता हो कि उसके बंदे उसको कब पुकारते हैं, वो जानता हो कि वो उसके बंदे उसको क्या पुकारते हैं, वो जानता हो कि उसके बंदों को क्या ज़रूरतें हैं। हर चीज़ को जो जानता है वो है मेरा और आपका माबूद। इसीलिए अल्लाह सुब्हान व तआला यहाँ पर जो सातवीं चीज़ बताते हैं, यालमु मा बैना अयदीहिम, हर चीज़ को जानता है। मेरी बहनों, यहाँ पर एक सवाल आ सकता है कि जब अल्लाह हर चीज़ को जानता है तो अल्लाह सिफारिश का ये सिलसिला क्यों रखे? मुझे बताए ज़रा, आप में से कौन बता सकते हैं? चले सवाल आप सबके लिए, अल्लाह जब सब कुछ जानता है तो फिर बंदों की सिफारिश का सिलसिला अल्लाह ने क्यों रखा? जानते हैं कोई, या मैं ही बताती चलूं? चलो मैं ही बता देती हूं। अब यहां पर एक बड़ा नुक्ते का पॉइंट है, देखो बड़ा अहम नुक्ता है। अब यहां पर अल्लाह जानता है उन बंदों को जो अल्लाह को पुकारते हैं, अंधेरे में भी, उजाले में भी। और कई ऐसे बंदे हैं जो दुनिया में, जिसको हम आखिरी समझते हैं, गरीब समझते हैं, जो दुनिया में हमको नहीं दिखाई देते,
कि वो अल्लाह को कितना पुकार रहे हैं। दुनिया की नज़र में उनकी कोई अहमियत नहीं होती, कोई औकात नहीं होती, लेकिन अल्लाह की नज़र में उनकी इतनी अहमियत होती है, इतनी अहमियत होती है कि अल्लाह सुबहाना व तआला उनके मकाम को इस तरह बुलंद करता है कि अल्लाह सिर्फ उनको जन्नत में नहीं डालता बल्कि उनके ज़रिए दूसरे लोगों को जन्नत में डालता है। ये है असल सिफारिश का मकसद। अल्लाह के वो बंदे जो दुनिया में गुमनाम है, जो फ्रंट पे नहीं आते, स्क्रीन पे नहीं आते, लेकिन रातों में उठकर अंधेरियों में अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह को अपना माबूद बनाते हैं, अल्लाह ही से सिर्फ पुकारते हैं, अल्लाह ही को पुकारते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी इज्जत को, उनके मकाम को बुलंद करने के लिए सिफारिश का लाने सिलसिला रखा। वरना अल्लाह सुबहान तआला तो चाहते तो सीधा जन्नत में डाल देते, और जन्नत में तो बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन वो बंदे का मुकाम कितना होगा आप सोचें जिसके जरिए दूसरे लोग जन्नत में आए। तो अल्लाह यहाँ पर उन बंदों की, जो बंदे गुमनाम है दुनिया में, उनको एक इज्जत का मकाम देने के लिए अल्लाह ताला यहाँ पर उनके लिए सिफारिश का ये सिलसिला अल्लाह ने रखा। तो यह आलम अल्लाह जानता है उन बंदों को भी, उन बंदियों को भी जो तन्हाई में अकेले में अपने अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के सामने रोते। अमीर को भी जानता है अल्लाह, गरीब को भी जानता है, कमज़ोर को भी जानता है, जालिम को भी अल्लाह जानता है, हर एक को जानता है। और फिर अल्लाह वो पकड़ेगा भी, पकड़ करने वाला भी है। ये मेरा और आपका रब अल्लाह सुबहाना व तआला। अब देखो मेरी बहनों, अल्लाह जब सब कुछ जानता है तो गैब का इल्म भी किसको है? लेकिन आज हमारे पास क्या किया गया, ज़रा बोलो क्या किया गया? इसी आयत के एक टुकड़े में अल्लाह ने क्या कहा, जब कहा अल्लाह ने यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशय मिन इल्मी, अल्लाह ने ये बात भी यहाँ पर कही, तमाम का तमाम अल्लाह इल्म जानता है, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है उतना इल्म अता करता है। ये भी एक और बात है यहाँ पर, यानी इसका मतलब उलमाए किराम ये कहते हैं, दो इसके माने लेते हैं, इसका ये मतलब है अल्लाह जिसको चाहता है अपने इल्म से कुछ अहाता अता करता है, कुछ इल्म अता करता है। इसका मतलब ये है, एक पहली चीज़ तो तमाम का तमाम इल्म अल्लाह को है, वो खुद अपनी मर्ज़ी को जानता है, वो खुद अपने इल्म को सबसे ज़्यादा जानता है। दूसरी चीज़, बंदे अल्लाह के इल्म को ये है असल इसका मकसद। अल्लाह जानता है कि वो अपने बंदे को कितना इल्म दे रहा है, लेकिन बंदा नहीं जानता कि अल्लाह के पास कितना इल्म है। यालमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशयइन मिन इल्मी इल्ला बिमा शा। अब यहाँ पर अल्लाह क्या बोल रहा है, उतना इल्म जितना के अल्लाह उसको अता करे। अब गैब का इल्म जो है वो सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह जानता है मेरा और आपका क्या फैसला होने वाला है, अल्लाह जानता है मुझे और आपको कब मौत आने वाली है, अल्लाह जानता है मुझे और आपको क्या देना है, अल्लाह जानता है कि किसको कितनी औलादे देना है, ये सिर्फ अल्लाह जानता है, ये बंदे नहीं जानते। इसीलिए अल्लाह ने सूरह तौबा में 5 ऐसी चीज़ें बतलाई जो सिर्फ अल्लाह जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानते। कौन सी वो 5 चीज़ें? 5 चीज़ें अल्लाह ने दलील के तौर पर अल्लाह ने कही, ये बात को साबित करने के लिए कि अल्लाह जिसको चाहता है उतना इल्म अता करता, मुकम्मल इल्म नहीं अता करता। और 5 चीज़ें अल्लाह ने सूरह तौबा में अल्लाह ने कहा, 5 चीज़ें ऐसी जो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानते। सबसे पहली चीज़, क़यामत कब आएगी। दूसरी चीज़ है, माँ के पेट में क्या है ना, चाहे कितनी ही स्कैनिंग कर लो, वो स्कैनिंग गलत साबित हो सकती है। अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि माँ के पेट में क्या है वो कोई नहीं जानता। तीसरी चीज़ है, बारिश कब होगी। चौथी चीज़ है, कहाँ मरेगा, किस ज़मीन के खित्ते में जाके मरेगा। पाँचवीं चीज़ है, कल क्या होगा, कोई नहीं जानता। अल्लाह यहाँ बता रहा है, इल्म अगर तुमको आ गया तो तुम गुरूर में मत जाओ, इल्म आ गया तो अपने आप को माबूद मत बना लो। क्योंकि जो बनी इसराइल थे उन्होंने क्या किया था, अपने इल्म पे फ़ख्र किया था ना, है ना, वो आज भी फ़ख्र करते हैं अपने इल्म पर, बनी इसराइल आज पर जूडिश जो है। अल्लाह ने यहाँ पर बताना चाहा कि इल्म की जो सिफत है, जो सबसे ज़्यादा जानता है वो अल्लाह है। अल्लाह यहाँ बता रहा है कि तुम उतना ही जानते हो जितना अल्लाह ने तुमको बताया है, उससे ज़्यादा तुम ना एक नुक्ता ना ऊपर जानते हो ना नीचे जानते हो। ये अल्लाह ताला मुझे और आपको यहाँ पर बता रहा है। लेकिन हमने आज क्या किया मालूम, अल्लाह के अलावा हमने कह दिया कि लोगों को भी गैब का इल्म है। इसीलिए जाके लोगों को पूछते हैं ना, बताओ हमारी हाथ की लकीरें बताओ ज़रा क्या बतलाती है ना। ये उम्मत मुस्लिमा का हाल मैं बता रही हूँ। अल्लाह कहता है कि अल्लाह जिसको चाहता है उतना इल्म अता करता है, अल्लाह हर एक को मुकम्मल इल्म नहीं देता। तो यहाँ पर गैब का इल्म भी,
जाके पूछा जाता है ज्योतिषों को, बताओ मेरे मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरे पर क्या मुसीबत होने वाली। अल्लाह अकबर, ये शिर्क हो गया ना। वो पहली मुकदमा जो अल्लाह ने रखा ना उसके अंदर, हम देखो अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू उसको साबित कर रहा है। यहाँ पर गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को नहीं है, और अम्बिया को भी गैब का इल्म था तो उतना ही था जितना अल्लाह ने उनको बताया। आज क्या कहा जाता है अल्लाह के नबी को, अल्लाह के नबी क्या है, अल्लाह के नबी को इल्म गैब था बोला जाता, नहीं बोला जाता, अल्लाह के नबी जानते थे। मेरी बहनों, ये आयत, ये आयतुल कुर्सी इस बात की दलील है कि अल्लाह के सिवा गैब का इल्म कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तकदीरें तो उनकी भी होती है जिनके हाथ, बोलो जरा एक मरतबा, तकदीरें अगर हाथों में होती है, हाथों की लकीरें में होती तो तकदीरों तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते, तो अब उनके बारे में क्या गैब बताएंगे आप। तोता वाला जो आता है हमारे गलियों में है ना, जो चिट्टियाँ निकाल के बताता है, और बड़े हमारे मुसलमान चाके निकालते हैं वो मुसलमान। इसीलिए मैंने कहा ना, बंदा कब शिर्क करता है, जब वो अल्लाह की मारिफत को नहीं पहचानता, वो अल्लाह को नहीं पहचानता तब जाकर ये काम करता है। अल्लाह जानता है मेरे और आपके हक में क्या होने वाला है, अल्लाह जानता है कि मुझे और आपको क्या देना है क्या नहीं देना है, सब कुछ क्या मेरे लिए खैर है क्या मेरे लिए शर है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये आठवीं चीज़ थी। नवीं चीज़ अल्लाह सुबहाना हुआ ताला इसके अंदर क्या कहते हैं, और गैब का इल्म अल्लाह के नबी को नहीं है, इस बात की दलील क्या है वो जरा एक मरतबा सुन लो। हौज़े कौसर पर जब लोगों को, जब उम्मत मुस्लिमा के कुछ लोगों को मार कर भगाया जाएगा तो फरिश्ते क्या कहेंगे मेरी बहनों, वो अल्फाज क्या थे जो मैं बार बार दोहराती हूँ अपने स्पीचेस में, अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं, आप नहीं जानते इन लोगों को, अल्लाह के नबी आपको इल्म नहीं है इस बात का। जो लोग अल्लाह के नबी को गैब का इल्म है कहते हैं ना, वो ये इस बात को सुन ले। हौज़े कौसर पे बोलेंगे, जिनको फरिश्ते दुर्रे मार के भगाएंगे ना, उनके बारे में कहेंगे कि अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं जो आप नहीं जानते इनके बारे में, जिन्होंने बिदात की थी, आप जब नहीं थे ना आपको मालूम नहीं है। अब यहाँ पर कौन बोल रहे इल्म गैब अल्लाह के नबी को नहीं है, बल्कि अगर कोई बंदा कहता है तो उसको गुस्ताख रसूल बोलते, नहीं अल्लाह के नबी का गुस्ताख क्या बोल रहा, अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं है। अब यहाँ पर बोलो फरिश्तों को गुस्ताख बोल सकते, फरिश्ते गुस्ताख हुए अब यहाँ पर, कोई बंदा बोला तो वो अल्लाह के नबी का गुस्ताख हो गया, और फरिश्ते बोले तो वो गुस्ताख नहीं है। अब ये हमारी मुनाफिकत नहीं है, हमको यहाँ पर समझना चाहिए कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, उतना ही था जितना अल्लाह ने उनको अता किया, उतना ही जितना अल्लाह ने उनको अता किया। अब उसके बाद मेरी बहनों नवी चीज़ की तरफ आई है, क्योंकि दो चीज़ें बोलकर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी। अल्लाह के नबी से अल्लाह सुब्हान तआला अगली आयत में क्या कहता है, इसी आयत में अगली बात क्या कहता है, नवी बात क्या कहता है, वसीया कुर्सी उस समावाती वल अर्द, अल्लाह की कुर्सी वो है जो जमीन और आसमान को घेरे हुए, क्या है वो। मेरी बहनों, हमने जो पहले दिन अल्लाह का तारुफ देखा था उसके अंदर हमने देखा था कि ज़मीन और आसमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के मुताबिक, इब्ने अबी शेबा की हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये ज़मीन और आसमान, अभी कुर्सी को समझाने के लिए कि अल्लाह की कुर्सी के नज़दीक ये ज़मीन और आसमान कैसे है, वैसे ही है कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान और उसके अंदर एक छोटा सा हल्का छोटी सी एक अंगूठी। अल्लाह की कुर्सी के सामने सात तो ज़मीन और आसमान, एक अंगूठी है। तो वसीया कुर्सी उस समावाती जो आया ना यहाँ पर वलार्द, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ये कुर्सी अल्लाह के कदम रखने की जगह है, और ये इतनी बड़ी है, इतना बड़ा रेगिस्तान है कि उसके सामने ये पूरी दुनिया कैसी है, और अल्लाह का अर्श, और यहाँ पर आप गौर करें अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, कुर्सी अल्लाह के पैर रखने की जगह इतनी बड़ी है, तो अल्लाह के अर्श के मुकाबले में ये कुर्सी वैसे ही है जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी रिंग। अब अंदाजा करें मेरा और आपका रब कितना बड़ा है, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, उसका अर्श कितना बड़ा है, वो कैसा है। अल्लाह अकबर, लैसा कमिस्ली शय, उसके कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती, वैसा है मेरा और आपका रब। अब यहाँ पर इस आयत में ये बात बोलने का मकसद क्या है मेरी बहनों, बोलने का मकसद ये है
उसकी मखलूक, अल्लाह की कुर्सी इसकी जो मखलूक है, अल्लाह का अर्श जो इसकी मखलूक है, ये इतनी बड़ी है, ये इतनी अजमत वाली है, तो वो रब जिसका जो तुम्हारा महबूद है ना, वो कितना अजमत वाला है। ये मकसद है असल बतलाना। देखो इतनी अजमत वाले रब से हम मांग रहे हैं, इतनी अजमत वाले रब को हम पुकार रहे हैं। तो अल्लाह की कुर्सी क्या है? अल्लाह की कुर्सी ज़रा बोलो, अल्लाह के कदम रखने की जगह। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला के मुताबिक नवी चीज़ अल्लाह ताला इस आयत में ये बात कहते हैं। अब दसवीं चीज़ अल्लाह ताला क्या कहता है? वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। अल्लाह वो है जो पूरी ज़मीन और आसमान की हिफाजत करते हुए नहीं थकता, और वो कौन है? अल अली है, अल अज़ीम है। अब देखो इतनी अजीम आयत का इख्तिताम हो रहा है अजीम से। अजीम वाली आयत अल्लाह ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कुरान की अजीम आयत है, उसका इख्तिताम किस पे हो रहा? अजीम पे हो रहा। अल अली किसको कहते हैं? अल अली कहते हैं सबसे ऊपर, ऊपर वाली साथ। अपने नाम में भी अल्लाह सुबहाना वो तआला पाक है, अली है, बुलंद है, और फिर उसकी सिफात में भी वो बुलंद है। ये अली का मतलब है, अजीम, बड़ा है अल्लाह सुबहाना तआला, बहुत बड़ा है अल्लाह सुबहाना तआला। तो बात क्या समझ में आई मेरी बहनों? अल्लाह ताला पहली बात को साबित करने के लिए ये पूरे दलाइल मुझे और आपको दे रहा था। अब जब भी आयतुल कुर्सी पढ़े ये समझ लेना जो मैं कह रही हूँ, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ला इलाहा इल्ला हुआ अल्लाह, मेरा अल्लाह वो है जो हई है, खयूम है, जिसको नींद नहीं आती, जिसको ऊँग नहीं आती, पूरी मिल्कियत उसी के हाथ में है, सिफारिश का हकदार सिर्फ वो है, कोई और सिफारिश नहीं कर सकता। मेरा अल्लाह वो है जो हर चीज़ को जानता है, मेरे जाहिर को भी, मेरे बातिन को भी, हर चीज़ को वो जानता है, वो अल अली है और अल अज़ीम। यानी मेरी बहनों यहाँ पर अब आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी। ये बताने का मकसद, आयतुल कुर्सी बताने का मकसद ये है कि मैं और आप अपने अकीदे को सुधार लें। रात में सोने से पहले अपने अकीदे को सुधार लें, दिन हो रहा अपने अकीदे को सुधार लें। बात आ रही समझ में? नमाज पढ़ रहे फौरी अपने अकीदे को सुधार लो कि तुम्हारा माबूद अल्लाह है, तभी तुम जन्नत पे चले जाओगे। सो रहे अकीदे को सुधार के सो। मेरी बहनों अब अल्लाह ने इतना जो तारुफ बयान किया है, तो मुझे बताओ आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत का हकदार कौन है? माबूद वो है तो मोहब्बत भी वो होगा। अगर हम किसी की मिल्कियत की वजह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो सुन लो कि अल्लाह की मिल्कियत सबसे बड़ी है। अगर हम किसी मोहब्बत, किसी की खूबसूरती के बिना पर अगर उससे मोहब्बत करते हैं, तो सुन लो कि अल्लाह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अगर किसी के ख़जानों की वजह से अगर किसी से हम मोहब्बत करते हैं, तो सुन लो अल्लाह सबसे ज़्यादा ख़जाने रखता है। अगर किसी की दौलत की वजह से अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो सुन लो कि अल्लाह सबसे ज़्यादा दौलत रखने वाला गनी है। अगर हम किसी की इज़्ज़त की वजह से अगर उससे मोहब्बत करते हैं, तो सुन लो अल्लाह सबसे ज़्यादा इज़्ज़त रखने वाला है। यह है मेरा और आपका रब अल्लाह, जिसका तारुफ मुझे और आपको आयतुल कुर्सी में दिया गया। तो ये छोटी सी तफसीर थी मेरी बहनों, जो आयतुल कुर्सी के तहत मैं आपके दरमियान रखने की कोशिश कर रही थी। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग इसको समझेंगे, और जब भी आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे, और इस यकीन के साथ पढ़ेंगे जो यकीन अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा करने का हुक्म दिया। इंशाल्लाह करेंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। आखिर में मैं अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुबहान व तआला मुझे और आपको कुरान का सही फहम अता करे, आयतुल कुर्सी को समझने वाला बना दे। अल्लाह मुझे इस कुरान को सिर्फ और सिर्फ जिन निकालने या जान निकालने वाला ना बनाए, अल्लाह मुझे इस कुरान को हिदायत पाने वाला बना दे, मुझे इस कुरान को बेहतरीन हिदायत के साथ पढ़ने वाला बना दे, अल्लाह की मारिफत को पहचानने वाला बना दे, सिर्फ अल्लाह सुबहान व तआला की इबादत करने वाला बना दे। अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी हो जाए, और इस तफसीर के दौरान अगर हमसे राय के दाने के बराबर भी अगर गलती हो गई, तो अल्लाह ताला सुनने वालों पर इसका राय के दाने के बराबर भी असर ना छोड़ना, और अल्लाह हमारी रहनुमाई करना और हमारे गुनाहों को माफ़ करना। आमीन। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।